हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे इस सुंदर प्लांट आर्डेशिया कनाटा के बारे में बात करूंगी। इसके बारे में बताऊंगी, आर्डेशिया कनाटा एक एवरग्रीन वुडी शर्ब है। आर्डेशिया कनाटा एक ऑर्नामेंटल खूबसूरत प्लांट है, जिसमें लगी हुई ये सुंदर चेरीज बहुत ही अच्छी लगती हैं और एकदम तूली लाल कलर की होती हैं। ये क्रिसमस के पास पूरा पेड़ इन चेरीज से भर जाता है और इसका कलर भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आर्डेशिया कनाटा एक ऑर्नामेंटल खूबसूरत प्लांट है और ये जो है, ये इसको हम लोग जो हैं वो सेंटर पीस पे डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये सेंटर पीस पे लगा हुआ। ये प्लांट प्रिमरोज परिवार के का एक पौधा है और विदेशों में भी ये काफ़ी पाया जाता है। इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये लगा हुआ है, और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। पर ये गमले में लगा हुआ ऑर्नामेंटल प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। तो आर्डेशिया कनाटा को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम क्रिसमस बेरी, ऑस्ट्रेलियन होली, कोरल आर्डेशिया, कोरल बुश, कोरल बेरी ट्री एसेट्रा नामों से जानते हैं। ये थ्रू आउट विंटर जो है अपने पेड़ से इसी प्रकार की सुंदर बेरीज इसमें दिखाई देती हैं, जो बेहद खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इसको लगाने से पहले ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि ये बेरीज किसी भी प्रकार से ईडेबल नहीं हैं, सिर्फ ये डेकोरेशन के काम आती हैं। और अर्ली विंटर्स में, फरवरी के महीने में, हम इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। पहले इसमें हरी बेरीज आएंगी और जब बिल्कुल डीप विंटर्स होते हैं, दिसंबर जनवरी, खास करके क्रिसमस के पास, इसमें ये बेरीज रेड कलर की हो जाती हैं और ये ट्री बेहद सुंदर दिखाई देता है, जैसे कि ये आपको मेरे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। नर्सरी पर भी ये प्लांट उपलब्ध रहता है, लेकिन थोड़े से हायर रेट्स में रहता है, तो इसका प्रोपोगेशन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये चेरीज इसकी जो हैं, ये गमले में गिर गई हैं, तो इसके लिए हम एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाकर, जिसमें सैंड हो, गार्डन सॉइल हो, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, इसके साथ ही आपका वर्मी कंपोस्ट हो और थोड़ा सा नीम खली की खाद हो, इसका मिक्सचर बनाइए, थोड़ा सा कोकोपीट भी डाल दीजिए और उसमें इन चेरीज को थोड़ा सा हल्का सा अंदर करके इसको आप लगा देंगे, तो ये अपने आप ही इसका पौधा निकल आएगा, जो कि देखने में इतना सुंदर मालूम पड़ता है। परंतु मैंने इस पौधे को नर्सरी से परचेज़ किया है और आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। अगर हम इसकी सनलाइट के बारे में बात करें, तो ये एक इंडोर प्लांट है। इसको अच्छी आपकी ताज़ी हवा और इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, पर अगर आप इसको तेज़ सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा, इसकी बेरीज सूख जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। किसी विंडो शेल पे, जैसे मैंने कई पौधों के बारे में आपको बताया है, विंडो शेल पे कहीं इसको आप तेज़ रोशनी में लगा सकते हैं। अब इसकी वाटरिंग की बात करूँ, तो वाटर इसमें आप तब दीजिए जब आपको ये लगे कि हाँ, इसका गमला सूखा है। ऐसे ही सभी पौधों के बारे में होना चाहिए कि जब गमले लगे थोड़े सूखे हैं, तभी हम उनमें पानी देते हैं। साथ ही इसे एक ऐसे पॉट में आप इसको प्रोपोगेट कीजिए कि जिसका ड्रेनेज होल अच्छा हो। ये मेरा ब्लैक कलर का गमला है और ये इसके नीचे जो है जितने होल बने हैं, इसमें अगर मैं ऊपर से वाटरिंग करती हूँ तो जितना पौधे को लेना होता है उतना पानी देके बाकी इसमें नीचे से निकल जाता है।
अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो आर्डेशिया कनाटा एक बहुत ही हल्के वेट का प्लांट है। इसको कहीं एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत हैवी सॉइल आप मत उसमें प्रोपोगेट कीजिए, थोड़ी हल्की ही जो है वो हल्की सॉइल का मिक्सचर कोकोपीट मिला के और ये आप सैंड मिला के इसका प्रोपोगेशन कीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। पहले इसमें जो हरी बेरीज आती हैं वो भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद जब ये रेड कलर में चेंज हो जाती हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। इसकी ये ग्रीन लीव्स तिकोनी पत्तियाँ भी देखने में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। इस पूरे पौधे को अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये लगा हुआ इस तरीके का दिखाई देता है। ये एक प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट अगर हम अपने गार्डन में लगाएं, अपने रूम में डेकोरेट करें तो हमारा कमरा देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आर्डेशिया कनाटा को आप अपने घर में प्रोपोगेट कीजिए, पर छोटे बच्चों को इसकी चारीज इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि उनको थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि किसी भी तरीके का इरिटेशन कर सकती हैं तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से इसकी हम केयर कर सकते हैं। कम धूप में रखिए, कम पानी दीजिए, जब काफ़ी झाड़ की तरह हो जाए तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो फरवरी के महीने में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं उनको आप प्रून कर सकते हैं। तो अगर आपको आर्डेशिया कनाटा प्लांट अच्छा लगा हो, इसकी ये खूबसूरत लाल चेरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।